नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम एक ही सप्लाई से, एक ही लॉक की हमारे पास सप्लाई है और उससे हमारे को दो लॉक ऑपरेट करने हैं, दैट मीन्स कि एट द सेम टाइम, एक साथ, एक समय पे कैसे ये दोनों लॉक ओपन हो सकते हैं। तो कई बार जिस समय हम कनेक्ट करते हैं, अगर दोनों लॉक्स को हम अगर यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ये दोनों तार्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो लॉक की जो पावर है वो एक लॉक के लिए तो सफिशिएंट होती है, बट दूसरे लॉक ओपन नहीं हो पाता है, उससे मींस उसके लिए पावर सफिशिएंट नहीं होती है। तो क्या हमें करना चाहिए? तो इसके लिए दो तीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक चाहें तो आप दो डिफरेंट सप्लाईज लगा सकते हैं, कि मींस एक लॉक के लिए एक सप्लाई और दूसरे लॉक के लिए अदर सप्लाई, दूसरी सप्लाई लगा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप चाहें तो एक रिले सप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं इसके ऑप्शन के तौर पे, कि जिसमें कि और या हैवी ट्रांसफार्मर, यानी जो आपका जो लॉक की सप्लाई है वो डबल ट्रांसफार्मर की सप्लाई आप यूज़ कर सकते हैं, दैट मीन्स कि जो एम्पियर्स की जो कैपेसिटी है वो उसकी डबल हो। तो यानी हैवी ट्रांसफार्मर अगर आप यूज़ करते हैं तो भी ये पॉसिबल है। पहली चीज़, आप दो सप्लाई यूज़ कर लें। दूसरा ऑप्शन कि आप हैवी ट्रांसफार्मर की सप्लाई यूज़ करें। तीसरा ऑप्शन जिसका कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, वो क्या है कि आप एक ही सप्लाई से अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमने दो लॉक्स लिए हुए हैं, एक ये लिंक प्लस कंपनी का है और एक यहाँ पर वेंटेज कंपनी का है। तो इसमें लिंक प्लस जो कंपनी है या वेंटेज है, तो इसमें आप इसको हम ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से ये इसमें एक यहाँ पर ये कॉइल होती है और ये देखिए ये यहाँ पर ये कॉइल जो है, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये आगे से इस जगह से ये बैंड नहीं होती है। तो ये यहाँ पर हल्का सा इसको हम अगर बैंड कर देंगे तो आपका जो है ये लॉक जो है एक ही सप्लाई से काम करना शुरू कर देगा। इसी तरीके से हम दूसरे लॉक के अंदर भी देखते हैं, तो ये हमारा वेंटेज कंपनी का लॉक है और इसके अंदर भी उसी तरीके से कॉइल्स अवेलेबल है। और कॉइल के अंदर ये यहाँ देखिए, ये देखिए ये जो आगे कॉइल है, ये हिस्सा जो होता है कॉइल का, इसको हम अगर हम देखिए ये जो आगे बिल्कुल जो पोर्शन है इसको हमें बैंड करना होता है। थोड़ा सा अगर आप बैंड कर देंगे तो आपका लॉक काम करना शुरू कर देगा। तो अब हम आपको एक लॉक के अंदर ये दिखाते हैं कि कैसे इस कॉइल को बैंड, कितना लेवल पे आप बैंड कर सकते हैं या कितना थोड़ा सा और आप उसको बैंड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक कॉइल लॉक लेते हैं जिसके अंदर कि हम बैंड हुई कॉइल को भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कॉइल है और जो कि इसकी जो आगे से देखिए आप यूनिट जो है देखिए हल्की सी बैंड है। अगर इसमें आप देखेंगे तो आगे से हल्की सी बैंड है जो कि आपकी जब हम प्रेस कर रहे हैं तो ये कॉइल की तरफ टच हो रही है। तो इसको हम हल्का सा अभी हमने बैंड किया हुआ है। अगर हमारा पर्पस इतनी बैंडिंग में सॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर हमारा पर्पस इतनी बैंडिंग में सॉल्व नहीं होता है तो थोड़ा सा हमारे को और इसको बैंड कर देना है। तो बैंड करने के बाद आप अब देखेंगे कि आपका जो ये कॉइल है परफेक्टली काम करना शुरू कर देगा। एक ही सप्लाई से, एक ही जो आपने एसी सप्लाई कनेक्ट की हुई है उसी से दोनों लॉक्स काम करना शुरू कर देंगे और उसमें बहुत ही कम पावर में आपका ये काम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।